हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग आए मैग्नेटो मॉल में पिज्जा हट में। तो पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रदीप भैया को 1000 का चूना लगा के आ रहा हूँ। कितने का? 1090। तुमको शरम वरम नहीं आता? एक बार जोमेटो वाला स्माइल कर दो। एक बार 1,00,000 रुपए लगेगा। हाँ देगा देगा, मैं देगा। फोन पे करो। प्रदीप भैया का अगला तंगा तुम्हारे पेमेंट में जाएगा। एक बार जोमेटो स्माइल। तो आज हम लोग पिज्जा खाने आए। तो भैया काफी दिन बाद अपन आए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? दुखी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन बैंक से कुछ गया है तो थोड़ा दुखी लग रहा है। नहीं नहीं, हाँ भैया की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप लोगों को। हाँ। कि अगले सैटरडे से भैया का कुछ वीडियो आने वाला है, तो भैया बताएंगे। अभी 2 सैटरडे नदी ही आएगा। अभी 2 सैटरडे नदी। अच्छा, उसके बाद डैम, उसके बाद इन्फॉर्मेशन दे दो आप। अभी अगला आएगा अपना छोटी नर्मदा नदी सैटरडे को 7 PM पे। उसके बाद उसके नेक्स्ट सैटरडे आएगा। कौन सा आएगा? डैम वाला मनियारी नदी। अच्छा, मनियारी के बाद फिर क्या अपना? मनियारी के बाद फिर हम पूरे बिलासपुर में जितने डैम है सब डैम कवर करेंगे सब। ओके, तो वीडियो आप वीडियो जरूर देखिएगा। और बाकी तो पांडे देखिए कितना खुश हो रहा है मनी मन में। 1090 का चूना लगाया है, इतना बड़ा बिल है। नहीं, मैं देख रहा हूँ GST कितना सारा ऐड है भाई, 3 जगह GST है। तो चलिए पिज्जा आता है, तब अपन पिज्जा खाते हैं। तो गाइस, जब हमारा वेटर जो है वो चेंज हो चुका है, पहले दिव्यांशु था, अब नमन पांडे बन चुका है। ये अरे वाह, ये आ गया जोमेटो वाला स्पाइस। डिलीवरी बॉय तो आप है भैया जी, लेकिन डिलीवरी बॉय गुस्सा में देखता है रे। आ गया पिज्जा, चलो पिज्जा का अनबॉक्सिंग करो ब्रो। तो गाइस, अपन पिज्जा का अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, तो लगता है नमन कुछ बोलेगा। नमन क्या बोलेगा? चलो खाने दो, भूख लगा है। अरे अरे अरे, तो बेइज्जती कर दिया। तो ये नमन शायद 1000 का पिज्जा खा रहा है। मिर्ची है, पेरी पेरी है या मेरा फोन है नीचे दो ना। ना भाई, आपका फोन, भैया का फोन दो। चलो पिज्जा खाते हैं गाइस, पिज्जा खाएंगे। तो अब अपन पिज्जा विज्जा खा चुके हैं और ये अपन नीचे को प्रस्थान कर रहे हैं। नमन ब्रो हेलो करो। और भैया क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहूँगा, कुछ भी कह दीजिए। ये भैया, ये जो सामने हम लोग पिज्जा खा रहे थे तो एक दीदी आपको देख रही थी, उन्हीं के बारे में आप कुछ कह दीजिए। हाँ, मिस बेगम से, वो जो दीदी दे रही थी भैया, यही बेगम से उनको गिफ्ट देंगे। अब बहू मिल चुकी है हमको, भाभी मिल गई है। तो नमन, हमको भाभी मिल गई तो तू क्या कहना चाहता है? थैंक यू भी बोल दिया, मतलब आप समझ सकते हैं। और यहीं से भैया अपने बच्चों के लिए चश्मा लेंगे, और शादी से हम लोग यहीं से प्रोडक्ट लेंगे, और भाभी के लिए यही लेक्मे वाला रहे। भाभी पहले ये थी लेकिन एक चली गई। ये हाँ, पहले भाभी ये थी, वो चली गई, वो सैफ अली खान को पसंद आ गई।